क्या बात है, मार्केट बहुत बढ़िया है आज, तो जम के पेट पूजा करनी चाहिए। हेलो, जी हाँ, ये बिटकॉइन करी रेस्टोरेंट? ओके जी, मैं थोड़ा ऑर्डर ले लीजिए। हाँ, एक तंदूरी चिकन चाहिए, साथ में पनीर चिल्ली चाहिए, और एक फुल चिकन कोल्हापुरी, साथ में चार बटर नान और एक दम बिरयानी, और स्वीट्स में रसमलाई कर दीजिए। ठीक है? जी हाँ, जी हाँ हाँ इतना ही है। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। उत्तरी मार्केट तो धीरे धीरे नीचे आया। हेलो, एक काम करिए, उसमें से रसमलाई कैंसिल कर दीजिए। जी हाँ, थोड़ा डॉक्टर ने मीठा मना किया, थोड़ा डायबिटीज़ का इश्यू है इसके लिए। अरे आम आदमी, अच्छी खासी ट्रेडिंग चल रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, रोज रस मलाई खाया जा रहा था। गवर्नमेंट को हमारी बिरयानी तो छोड़ो, पापड़ तक पसंद नहीं है। क्या करे एक बिटकॉइन ट्रेडर। चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बिरयानी। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जिया स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट पे। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा लगभग 2 मिनट के आसपास एक छोटी सी क्लिप थी, वो जस्ट फॉर फन था, लेकिन कोशिश की कि उसमें कुछ हकीकत दिखाया जाए कि अभी जो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनकी क्या हालत है, और इसका पूरा श्रेय जाता है RBI को, सुप्रीम कोर्ट को और हमारी गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर आप लोग के क्या विचार हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फटाफट कुछ अपडेट्स देता हूँ मार्केट के, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं आपको बताऊँगा आप लोग को क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले अभी जो मार्केट हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक स्पाइक है, ऊपर की तरफ आया था लगभग 6:30 बजे के आसपास आया था, और जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि जब भी 90 डिग्री का ऊपर स्पाइक आता है तो उसके बाद से उस करेक्शन 101% आता है। अगर इतना बड़ा ग्रीन कलर का स्पाइक आता है तो समझ जाइए कि 60-70% उसमें करेक्शन आता है, और लगभग 30% हम सोच सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ गया है ग्रीन, वापिस अब करेक्शन आ रहा है, एंड आई होप कि इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रुकेगा, फिर साइडवेव्स हो, और फिर अगर इस तरह से ऊपर की तरफ साइडवेव जाती है तो वो एक अच्छी निशानी है। और सोच रहे थे हम कि 6,800 के आसपास ब्रेक कर देगा, लेकिन नहीं कर पाया, 6,784 के ऊपर आके रुक गया और वापस से नीचे आ चुका है। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात छोड़ दें, जेप्पे की बात छोड़ दें, RBI की बात छोड़ दें, ठीक है, तो ग्लोबली देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी ठीक है ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जो हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस हैं उन सबको तोड़ कर और ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब इसे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, ठीक है, 2019 के आसपास तक अगर होल्ड करना चाहते हैं बिटकॉइन को अच्छे लंबे प्रॉफिट के लिए, कि वो तो प्रॉफिट आपको 101% मिलने वाला है, तो अगर आप वहाँ तक इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या डे ट्रेडर्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि अभी ट्रेडिंग वगैरह मत करो, ये है नो ट्रेड जोन, क्योंकि 1 घंटे में ऊपर जाता है, 1 घंटे में नीचे आता है, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर, चार्टिंग्स वगैरह नहीं आता आपको सही से, तो अभी आप ट्रेड मत करिए, आपको लॉस हो सकता है। और कुछ बड़े एनालिस्ट हैं उनके हवाले से कुछ न्यूज़ मिली है कि अगर हमारे नीचे के जो सपोर्ट हैं 6,400 या 6,100 के आसपास तोड़ देता है वापस से, और ये तीसरी या चौथी वक्त अगर वापस से 5,700 के आसपास आता है तो हम 5,000 या 5,300 का लेवल ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड करते हैं तो बी केयरफुल, ओके, क्योंकि मार्केट का कह नहीं सकते, कभी भी नीचे आ सकता है। स्पेशली सैटरडे संडे को ट्रेड मत किया करें, क्योंकि सैटरडे संडे मोस्टली जो रहते हैं बड़े बड़े जो आर्बिट्रेज होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे यूजिंग बॉट ट्रेडिंग किया जाता है, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है, और सैटरडे संडे हम देखते हैं मोस्टली नीचे की तरफ होता है। अब दूसरी एक और चीज़ हम बात करते हैं माइनिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बिटकॉइन 5,400 या 5,300 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि लोग माइनिंग करना बंद कर देंगे तो वहाँ तक नहीं जा सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, माइनिंग के ऊपर भी बताया था। तो देखिए, माइनिंग का और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस से कुछ ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है, माइनिंग हमेशा की तरह प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि माइनिंग के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है बिटकॉइन का,
सपोज करें कि पूल माइनर्स है जिसमें 10 लोग हैं, उसमें से दो लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वो अपनी मशीन रिग्स को बंद कर रहे हैं कि भाई अभी माइनिंग नहीं करना है क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है। बचे 8 लोग, तो क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल और कम हो जाएगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो इंस्टेड ऑफ 10 लोग अब 8 लोगों में बटेगा और वो भी उनको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनिंग का प्राइस से इतना कुछ लेना देना नहीं है, माइनिंग अपनी जगह प्रॉफिटेबल है और क्रिप्टो करेंसी की प्राइस भी अपनी तरफ चल रही है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ SEC के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन US का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है उसके अंदर। और एक चीज़ जो अभी सुनने में आ रही है कि ETF जो मार्केट है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की क्रिप्टो करेंसी के लिए ETF का मार्केट ओपन किया जाए ताकि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग हो वो एक्सचेंज के ऊपर भी हो सके। लेकिन ये जो बात है लगभग 2017 से चलती आ रही है और आई होप अभी इसकी जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छी हो चुकी है और CBOE यानी कि चिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज जो था उसने एक अर्जी भी डाली थी कि ETF का मार्केट ओपन कर दिया जाए क्रिप्टो करेंसी के लिए, लेकिन वो फिलहाल उसको एक रिजेक्ट कर दिया गया था और SEC ने वापस एक पीपल्स पोलिंग वोट को ओपन कर दिया है कि वहाँ पर बाकी सब लोग अपनी अपनी वोटिंग करेंगे और एक ग्रुप डिसीजन लिया जाएगा कि ETF मार्केट को ओपन करना है कि नहीं करना है। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि बाई ईयर एंड से पहले ETF मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो उसमें बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल फंड्स आ जाएंगे, बहुत सारी ट्रेडिंग होगी, ना कि बड़े इन्वेस्टर से बल्कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी एक्सचेंज के थ्रू काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग करेंगे। और उम्मीद ये किया जाता है कि अगर ETF चालू हो जाता है तो लगभग 3.8 ट्रिलियन का फंड आ सकता है। खत्म करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रिस्क एंड रिवार्ड फैक्टर। एक सिंपल सी चीज़ है, अभी मार्केट फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि 6,000 के आसपास है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट नीचे कितना जा सकता है, डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे 0 तो जा नहीं सकता, 1,000 भी नहीं जा सकता, 2,000 भी नहीं जा सकता, 3,000 भी नहीं जा सकता, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि शायद 4,000 जाए और कुछ हद तक चांसेस होंगे शायद 5,000 या 5,500 तक जाए। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क फैक्टर है जहाँ हम खड़े हैं बहुत कम है, यानी कि 2% के आसपास है। लेकिन अगर हम रिवार्ड्स की बात करते हैं कि 6,000 से ऊपर कितना जा सकता है, तो ऊपर जाना है तो अनलिमिटेड है, मतलब कितना भी ऊपर जा सकता है, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो रिवार्ड फैक्टर वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रिस्क फैक्टर है। तो इस बात को भी आप लोग सोचिएगा कि अभी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क क्या है और प्रॉफिट क्या है। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग को मालूम होगा कि ज़ेप्पे का जब हम ऐप अभी ओपन कर रहे हैं तो क्लियर कट वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि रुपीज़ का जो विड्रॉल डिपॉजिट टोटली पॉज कर दिया गया है, तो अब उसमें ना आप डिपॉजिट कर सकते हो ना आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ऑल्ट कॉइन्स का जो पेयर है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, बाकी उसमें आप दूसरी जगह से डिपॉजिट कर सकते हो और दूसरी जगह आप सेंड भी कर सकते हो अपने कॉइन्स वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों ये था अभी तक का अपडेट, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता, बहुत कम लाइक्स मिलते हैं। एनीवेज कोशिश करूंगा आगे कुछ और बेहतर लाने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुंच सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोस और न्यू अपडेट्स का, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।